17वीं लोकसभा के चुनाव की आखिरी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने रविवार को 2019 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी है। देश भर में 7 चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई तक वोटिंग होगी और नतीजे 23 मई को आएंगे। यूपी बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल भी एक ऐसा राज्य है जहाँ सभी 7 चरणों में चुनाव सम्पन्न कराए जाएंगे। राज्य में लोकसभा की 42 सीटें हैं। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल से शुरू होगी जो कि 19 मई को आखिरी चरण तक चलेगी। 2014 के चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 34 पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 4 तो बीजेपी के खाते में 2 गई थी। इस बार बीजेपी को बंगाल से बड़ी सफलता की उम्मीद है। वहीं ममता भी अपनी जमीन को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। आइए अब हम दिखाते हैं बंगाल का एग्जिट पोल। बंगाल में भी भाजपा को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार राज्य में भाजपा 12 से 16 सीटों पर कब्जा कर सकती है। पिछली बार सिर्फ 2 सीटें मिली थी। राज्य में बची 25 से 30 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की जीत का अनुमान है। बंगाल का हवा बदल चुका है। वहां की जनता में मोदी नाम का जादू चल रहा है। इस वजह से देखा जा रहा है कि बंगाल की जनता का ममता बनर्जी के ऊपर से विश्वास उठता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आपको याद ही होगा कि आज से कुछ सालों पहले से दुर्गा पूजा और मुहर्रम को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था जिससे हिंदू पक्ष नाराज चल रहा था। वहीं कुछ दिन पहले हुए CBI कांड ने ममता का खेल ही बदल दिया है। इसी वजह से वहां की जनता का विश्वास उठता नजर आ रहा है।